दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान के बारे में एक बात हमेशा ही कही जाती है, वो यारों के यार है तो दुश्मनों के दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, जिस पर भी सलमान खान मेहरबान हो गए समझ लो उसकी किस्मत ही खुल गई, वरना उनसे पंगे लेने वालों का क्या हाल होता है वो तो आप सभी ने देखा ही है। दोस्तों, आज सलमान खान की दोस्ती के काफी चर्चे हैं तो उनकी दुश्मनी के भी काफी चर्चे हैं। दोस्तों, सलमान खान के बर्थडे के मौके पर हम आपको बताते हैं फिल्म इंडस्ट्री में 5 ऐसे लोगों के बारे में जो सलमान खान को फूटी आंख भी नहीं सुहाते। जी दोस्तों, सलमान खान ने संजय लीला भंसाली के साथ खामोशी, हम दिल दे चुके सनम जैसे कई फिल्में साथ में की है जो काफी हिट रही। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया जब दोनों के बीच में दरार आ गई। आज आलम यह है कि सलमान खान और संजय लीला भंसाली एक दूसरे से बात भी नहीं करते। तो हालांकि संजय लीला भंसाली सलमान खान को बड़ा स्टार मानते हैं और उनकी तारीफ भी करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों सलमान की नाराजगी शायद इस बात को लेकर भी है कि भंसाली ने उन्हें कोई भी बाद में फिल्म भी नहीं दी। और बाजीराव मस्तानी में पहले सलमान खान और करीना को साइन किया था, लेकिन दोस्तों किसी वजह से भंसाली ने उन दोनों को लेकर फिल्म भी नहीं बना पाए। दोस्तों, सलमान खान और भंसाली के बीच करवाट इस हद तक बढ़ गई कि एक बार सलमान ने भंसाली की फिल्म गुजारिश को लेकर काफी कुछ कह भी दिया था। दोस्तों, विवेक ओबेरॉय को सलमान खान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। ये दुश्मनी तब शुरू हुई थी जब सलमान खान ऐश्वर्या के साथ रिलेशन में थे और विवेक ने बीच में आकर एक ऐसा कारनामा कर दिया कि जिससे सलमान की बदनामी हो गई। दोस्तों, विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सलमान खान के बारे में खूब अनाप शनाप कहा। इसके बाद सलमान खान ने विवेक को अपने दुश्मनों की लिस्ट में भी शामिल कर लिया। आज दोनों एक दूसरे को सामने सामने देखना बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। सलमान से पंगा लेना विवेक को काफी महंगा पड़ा। धीरे धीरे उनका करियर भी डामाडोल हो गया और उन्हें अच्छी फिल्में मिलना भी बंद हो गई। दोस्तों, सलमान खान की दुश्मनों की लिस्ट में जो नया नाम जुड़ा है वो है अर्जुन कपूर का। अर्जुन का नाम दोस्तों सलमान की भाभी मलाइका अरोड़ा के बाद में जोड़ा जाता रहा है। दोनों को कई जगह साथ में भी देखा गया। अर्जुन की ये हरकत देखकर सलमान खान बौखला गए थे। शुरुआत में जब सलमान को पूछा कि अर्जुन और उनकी भाभी मलाइका के बीच में कुछ पकड़ा है, तो सलमान ने अर्जुन से भी पूछा था लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। इसके बाद में काफी बात बढ़ गई। दोस्तों, शायद ही लोग जानते हो लेकिन मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान भी सलमान खान को बिल्कुल भी नहीं पाती। दोनों के बीच में दरार तब आई जब सलमान खान कोई बड़े स्टार नहीं थे। उन दिनों सलमान खान फिल्म अंदाज अपना अपना में काम कर रहे थे और उन्हें एक गाने को सरोज खान को कोरियोग्राफ कर रही थी। सलमान को लगा कि सरोज उन्हें अच्छे डांस स्टेप नहीं दे रही है, कि देखकर सलमान गुस्से में आ गए और दोनों के बीच में काफी बहस भी हो गई। दोस्तों, सिंगर अरिजीत सिंह भी सलमान खान के दुश्मनों की फेहरिस्त में शामिल है। दोनों के बीच में विवाद एक अवार्ड फंक्शन के दौरान हुआ जब सलमान ने अरिजीत से कहा कि क्या आप सो रहे थे, और इस पर अरिजीत ने पलटकर जवाब दिया कि आप लोगों ने मुझे सुला दिया। अरिजीत का यह अंदाज सलमान को बिल्कुल भी नागवार गुजरा और वो इस कदर की उन्होंने अपनी फिल्म सुल्तान से भी अरिजीत का गाना हटवा दिया। इसके बाद अरिजीत ने सलमान से सोशल मीडिया पर काफी माफी भी मांगी, लेकिन दोस्तों सलमान ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।